गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 मैथ यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। हम इस एक्सरसाइज में आज 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, वट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं क्लास में वो रेशियो में दिए हैं 7:5। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो 7:5 से निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमने राइट पहले कर लिया है। आज हमारे पास है लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज हैं क्लास में वो 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद लिखा था कि जो 7x है वो इक्वल्स टू 5x+8। वो आया कहाँ से, वो आया इस प्रकार से, जो हमारे पास लिखा था नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज थे वो 8 मोर थे, किससे, गर्ल्स से। तो हमने 7x बॉयज लिख लिया और मोर को ऐड कर लिया, ठीक है। तो 5x यहाँ से इधर गया। जब भी राइट से कुछ भी लेफ्ट में जाता है, अगर वो प्लस में हो तो किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में आ गया। तो 7x-2x 7x से 5x को माइनस किया, 2x आया इक्वल्स टू 8। तो 2 8 के नीचे गया, काट के 4 आ गया। फिर लिखा था नंबर ऑफ बॉयज इज 7x इक्वल्स टू 7 × 4 दैट इज 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x थे, x की वैल्यू डाली 20 आ गया। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, ऐड किया तो 48 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाई चंग्स ग्रैंडफादर। तो जो बाई चंग का फादर है वो 26 ईयर यंगर होता, छोटा, किसे, ग्रैंड फादर से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाई चंग। और 29 ईयर ओल्डर किससे था, उसके दोनों से, इससे भी और इससे भी, ये ग्रैंड फादर है और ये फादर है। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन। तो हमें तीनों की एजेस निकाल लिए हैं। तो हमारे पास जो एजेस रहते हैं वो हम राइट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ बाई चंग फादर। तो हमने बाई चंग के फादर की एज लिख ली x। फिर लिखेंगे एज ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर की एज आ गई x+26, क्योंकि जो फादर से बड़ा क्या होगा, बाई चंग का ग्रैंड फादर। तो x+26 लिखा। अब बाई चंग वो छोटा होगा इन दोनों से, तो x-29 कर दे, क्योंकि वो फादर से भी छोटा होगा। 29 माइनस किया, सम ऑफ ऑल एज इज 135, वैल्यू लिख ली x, x+20x x-29। तो हमारे पास तीन बार x है, 1, 2, 3, 3x आ गया। 29 से 26 माइनस किया, 3 बड़ी टर्म का साइन माइनस, और 135 जैसे था वैसे एज इट इज आया। 3 लेफ्ट पोजीशन से राइट की तरफ किया तो प्लस का हो गया, 138 आ गया। अब जो 3 है वो इसके नीचे आएगा, कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, 1 बचा, 3 8 16, तो 46 आ गया। एज ऑफ बाई चंग्स फादर, एक्स की वैल्यू 46, एज ऑफ ग्रैंड फादर, ये कॉमर्स लगाए क्योंकि एज ऑफ ही आ रहा है इसकी जगह, ग्रैंड फादर, x+26, 46 में हमने 26 ऐड किया, 72 है। द एज ऑफ बाई चंग्स x-29 किया, तो 46 से 29 माइनस करें तो 47 आता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फिफ्टीन ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। तो 15 ईयर नाउ लिखा है, तो जो 15 साल बाद रवि की एज जो थी वो 4 टाइम हो जाती है उसकी प्रेजेंट एज के।
तो हमें निकालनी है रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे लेट द एज ऑफ लेट रवि प्रेजेंट एज एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा 4x इक्वल्स टू एक्स प्लस 15, तो एक्स दोबारा इस साइड को गया तो माइनस हो गया, 3x आ गया 15, तो एक्स नीचे आया तो 3 1 3 3 5 15 3 1 3 आया और 3 5 15 आ गया, तो एज निकल गई। तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास वो 13 है। 13 क्वेश्चन में द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 द टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट इज द नंबर। हमें एक ऐसा नंबर मानना है जो मल्टीप्लाई करेगा इसको 5/2 को, और जो 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो 2/3 से, और एडअप को पूरा सॉल्व करने पे आंसर आया उसका -7/12। तो हमारे पास जो 13 रहता है, तो रैशनल नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स माना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, उसमें जो ऐड किया वो 2/3, आंसर क्या आता है -7/12। मल्टीप्लाई किया 5/2 को x से तो 5x/2 आया प्लस 2/3, ये जो 2/3 है ये इधर से इधर जाएगा, माइनस का हो गया -7/12 -2/3। एलसीएम लिया 3 4 12 होता है 3 1 3 2 2 4 2 1 2 मल्टीप्लाई किया 3 2 6 6 2 12 एलसीएम 12 12 1 12 होता है 7 1 7 3 4 12 हुआ 4 2 8 तो 8 और 17 होता है 15/12 एंड 5x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 15 को 5 से 12 को तो x आ गया, तो 15/12 लिखा 2/5 लिखा 2 से कटा 2 1 2 2 6 12 5 1 5 5 3 15 3 1 3 3 2 6 तो दैट इज 1/2 आंसर आ गया हमारे पास x 1/2। तो इसी के साथ दोबारा क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू।